हमने यहाँ पे रात को कैमल राइडिंग की थी, बहुत मज़ा आया था। और बहुत ही बिजी है ये जो बीच एरिया है, यहाँ पर देखें काफ़ी पब्लिक है। यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। फॉरेंस तो हैं ही, लेकिन लोकल पब्लिक भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। और ये देखें, और हमारे रिजॉर्ट से हम चलते चलते या वो बीच को क्रॉस करते करते अब यहाँ पर आए हैं। और यहाँ से हम जा रहे हैं एक्वा पार्क में। हमारे रिजॉर्ट से 5 मिनट की जस्ट वॉक है और हम एक्वा पार्क जाएंगे। और यहाँ पे देखिए बड़े ही प्यारे प्यारे से जो है ना वो घर भी हैं और होटल्स हैं। यहाँ पे कितना खूबसूरत ये जो है ना इसका इंटीरियर डिज़ाइन किया हुआ इन्होंने, बहुत ही प्यारा सा घर है। और ये इसका गेट है, और गेट के एंट्रेंस में ये देखें बहुत ही प्यारा सा जो है ना ये मकान है, वेरी ब्यूटीफुल। और हम वॉक करते करते चलते चलते आगे हैं मेन रोड के ऊपर। और यहाँ पर भी ये पेडेस्ट्रियन का है, गाड़ियाँ रोक देते हैं यहाँ पर भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर। और ये देखें बहुत ही शानदार जो है ना यहाँ पे बने हुए हैं घर, मकान, होटल्स सभी है ना। आई थिंक सो ये होटल नहीं है। और अगर इस साइड पे देखें तो वहाँ पे कैंपिंग है, कैंपिंग का एरिया है अटलांटिक। यहाँ पर हम जा रहे हैं, 300 मीटर वॉक पर है ये जो आप बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं, तो विच इज़ गुड, वेरी नाइस। यहाँ से हम लोगों के लिए तो ये फ्री है, क्योंकि हम लोग के होटल्स में हैं ये, हमें इन्होंने रिस्ट पैंट दिए हुए हैं, ये हमने पहने हुए हैं। तो हम सुबह 10 बजे से लेके ना रात शाम को 6 बजे तक फ्री है हमारी एंट्री। 7-8 बजे खेलें यहाँ पर। और ये देखें मोरक्को के जो हाउसेज हैं ना वो बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। जिस दिन से हम यहाँ पे आए हैं बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, वेदर के लिहाज से, खाना पीना, ज़्यादातर हम फिशेज ही खा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो मछलियाँ हैं ना वो ताज़ी ही आपको मिलती है, फ्रेश फिश आपको मिलती है यहाँ पर। और यहाँ पे हमने देखा एक छोटी सी प्यारी सी सुपर मार्केट भी है, जिस जहाँ से बेकरी का सारा सामान खाने पीने का, वो भी तो देखते हैं वो वाले नहीं होते जो ड्रिंक करने वाले होते हैं, उनके पास क्वेश्चंस भी हैं वापसी पे लेने क्वेश्चन। यार कितनी अच्छी फ्रेश है इस बेकरी में ना चीज़ें, ये हमारे बच्चों को ज़्यादा शौक से ये वाली खाते हैं। और ये ब्रेड्स भी हैं, ले लो निकाल लो जो चाहिए। नहीं बड़ा उठाने का है ज़्यादा, या कप्स नहीं है यहाँ पे ऐसा बड़ा ले लेते, कप शप है जूसेस। हाँ वो घर में है, नूडल पास्ता जैम शैम सभी कुछ है यहाँ पर, पानी जूसेस। हाँ पानी महंगा होगा वहाँ पे। एक सोप ले लेते हैं, एक दो कपड़े वॉश करने के लिए जैसे। यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, रहने वाले लोकल हैं,
लोग बस ऐसे ही तैयार होके चले जाते हैं, बिल्कुल सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे जो है ना यहाँ पे बीच है। यहाँ पे प्यारा सा रेस्टोरेंट है, फ्रेश फ्रेश खाना बना रहे हैं, ये भी रेस्टोरेंट है और यहाँ के लोकल सिंगर हैं ये लोग। और यहाँ पे ये पिज़्ज़ा बनाते हैं, और ब्यूटीफुल सा है। यहाँ पे भी एक होटल रेस्टोरेंट, कहाँ पे मेन्यू? हाँ, प्लेट पे स्माइल भी है। क्या असल है अंजीर, क्या ताज़ी ताज़ी अंजीर है इनके पास, देखो ज़रा फ्रेश फ्रेश। स्नो लेग्स भी हैं, बर्ड्स एग्स होंगे, ग्रेप्स भी हैं यार। हाउ मच दिस वन एग, एग्स ऐसा लिप्री प्लीज, हाउ मच इज, हाउ मच इज सर, दिरहम इज दिरहम, जी दिरहम इज, और 2.5 दिरहम। ओके सो ठीक है, 3 ओके। हम ये कितने रुपए का लिया था? हम तो इधर से 1.5 दिरहम का लेते हैं ना। ये है ना यहाँ की मस्जिद तौबा मुदखल लिसा। अच्छा रास्ते ये रास्ते में आती है, मेरी वीडियो ख़राब करती है। हमने इनको बस ऐसे दिखाया, उन्होंने कहा आप जाएं अंदर, बड़ा VIP हमें इन्होंने प्रोटोकॉल दिया। और यहाँ पे ये देखें ज़बरदस्त सा माहौल बना हुआ है, खास तौर पे हम यहाँ बच्चों को लेके आए। हम लोग यहाँ आ गए हैं और ये पानी में बच्चे खेल रहे हैं, और यहाँ पे हमारी एंट्री फ्री है होटल वालों की तरफ से, ये हमने वेस्टमैन लगाया था तो ये एंट्री फ्री है यहाँ पर। और ये स्लाइड करते हैं, अभी ये स्लाइड पे चलते हैं, मज़े मज़े की स्लाइड। और ये स्विमिंग पूल, और ये छोटे बच्चों का है यहाँ पर खेलने का, छोटे बच्चे की स्लाइड है, उसी से पानी आ रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने सारा दिन इंजॉय किया, बच्चों ने, हम लोगों ने सारा दिन स्विमिंग पूल में गुजारा और बहुत इंजॉय किया। बहुत अच्छी धूप थी और बहुत मज़ा आया हमें। इसके बाद हम लोग चले गए खाने के लिए, हम सीधा रेस्टोरेंट में गए थे शावर वगैरह लेकर, फिर हमने यहाँ पर फ़िश खाई और प्रॉन्स वगैरह सभी हमने सी फूड ही ऑर्डर किया था। तो ये रहा हमारा आज का व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा हमारे साथ, और जुड़े रहिए आइंदा के नेक्स्ट व्लॉग के लिए, और मिलेंगे इंशाल्लाह।